हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पम्पकिन मिठाई। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पम्पकिन नहीं यूज़ करने वाले हम लोग। बस हमने सिर्फ शेप और कलर दिया है इसे पम्पकिन का। देखिए कितना ही डिसेंट और खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही क्यूट एंड टेस्टी भी है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या करना है, मिल्क लेना है एक कप। नॉर्मली आप घर की कटोरी से नाप सकते हैं। एक कप मिल्क पाउडर में हम लोग एक कप से थोड़ा सा कम कोकोनट पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर को मैंने पाउडर बना लिया था, आप उसे ऐड कीजिए। 2 चम्मच काफ़ी है, 2 ही चम्मच आपको ऐड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बटर डाल दे सकते हैं इसमें, बट बटर जो होना चाहिए सॉल्टी नहीं होना चाहिए। अब हम डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की आपको 2 से 3 ही ड्रॉप डालनी है। उसके बाद हम पम्पकिन का कलर भी तो चाहिए भाई, तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, पीला और ऑरेंज कलर मैंने मिक्स करके ऐड किया है। और आप देख लीजिए कि आपको कितना कलर्स का डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, उसके हिसाब से कलर इस्तेमाल करना है। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद दूध ऐड कीजिए। दूध बहुत ही केयरफुली होकर आपको ऐड करना है। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा आपने डाल दिया ज़्यादा मिल्क तो मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 चम्मच के करीब मैंने दूध, 2 बड़े चम्मच दूध इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको आप मिक्स करते रहिए, तो देखिए कलर भी आपको दिखने लग जाएगा कि कैसा कलर आ रहा है इसमें। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि और डार्क कलर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें कलर। और सबसे अमेजिंग बात, इसमें आप फायर यानी कि गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ इसे आराम से कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी आपके साथ इसको बना सकते हैं। इसमें ना जलने का डर ना कुछ, बहुत ही ईजिली बन जाती है, प्लस वो इन्जॉय भी करेंगे इसे। बस देखिए अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, और जैसे अगर लगेगा थोड़ा सा मिक्सचर गीला आपका हो रहा है तो आप कोकोनट पाउडर ऊपर से डाल सकते हैं। इवन आप मिल्क पाउडर भी ऊपर से आप डाल दीजिए। बस दोबारा अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से डो तैयार हो गया है। 30 मिनट्स बस आपको वेट करना है। देखिए आटा कुछ इस तरीके का सख्त नज़र आएगा। मेरे पास 30 मिनट्स नहीं थे तो मैंने सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रखा है, बट 30 मिनट्स में बहुत ही सॉलिड बन जाता है। आप क्या कर, हैंड्स को ग्रीस कर लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे बॉल की शेप दीजिए दे सकते हैं। जब आप ग्रीस कर लेते तो ईजिली देखिए हाथों में भी नहीं मिक्सचर चिपकेगा और आराम से बॉल बन जाती है। बस मैंने एक बादाम लिया है, उसको अंदर इंसर्ट किया है, अंदर प्लेस किया है। आप कुछ और चीज़ें भी प्लेस कर सकते हैं, काजू अगर डालना है, ड्राई फ्रूट्स के अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपके पास है तो प्लीज़ आप वो ऐड कर सकते हैं। और प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे भी बताइए। बस डस्ट कीजिए पाउडर शुगर से, नहीं तो आप कोकोनट से भी इसको कोट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजिली बन जाता है शेप पम्पकिन के, इस तरीके से देना है। सो आपने देखा ना कितनी आसानी से हम टूथपिक की हेल्प से इसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जो डिफरेंट शेप दे सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो वो हमारी हेल्प करे। देखिए अब सबको इसी तरीके से आप शेप दे दीजिए, जितने भी मिक्सचर है ये पम्पकिन की हम लोग शेप दे रहे हैं। और आप इसे किसी भी पार्टीज वगैरह में भी बना सकते हैं। प्लस आप देख रहे हैं कि ये हेल्दी कितना है, इसमें कुछ भी, मतलब बाहर की कैंडीज़ वगैरह हम खाते हैं, इससे मच बेटर है कि आप ये घर में बना के आराम से रख सकते हैं। प्लस इसे काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस पत्ते की जगह हमने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स यूज़ किया है, देखिए इस तरीके से, जो कि बिल्कुल पत्ते का लुक देगा इसमें। तो तैयार है हमारी पम्पकिन मिठाई, जो कि देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और इस क्रिसमस ज़रूर इस मिठाई को बनाइए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।